नमस्कार, डिजिटल प्रभात मध्ये आपलं स्वागत. अनेक व्यक्तींनी शून्यातून आपलं वेगळं विश्व निर्माण केलं. अशाच उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींची यशोगाथा डिजिटल प्रभातने मांडलेली आहे. पिंपरी चिंचवड सह पुणे शहरातील अशा उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींची मुलाखत घेण्याची संधी डिजिटल प्रभातच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसाठी आहे. आपल्या सोबत आहेत महम्मद हुसेन, ज्यांनी शून्यावर मात करत आपलं एक वेगळं विश्व निर्माण केलं आणि गोरगरीब रुग्णांची सेवा करत हजारो रुग्णांना मदतीचा हात दिला. महम्मद साहेब नमस्कार. नमस्कार. रुग्णांच्या सेवेकडे तुम्ही कसे वळलात? सबसे पहले पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय इस प्रेमाइसेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं ये सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान हुआ है. मैं शुरू में 2000 से मार्केटिंग का व्यवसाय चालू किया था. मैंने बॉल पेन का व्यवसाय चालू किया था. सभी स्कूल कॉलेज में मैंने स्कूल कॉलेज में पेन भेजा करता था. मैं छुट्टियों के दिन में सरकारी हॉस्पिटल्स जैसे ससून और वाईसीएमसी अस्पताल में स्टाफ नर्स लोग के पास में पेन भेजा करता था. मैं जब मुझे वार्ड में जब पेन बेचते बेचते कोई एक आधा गरीब व्यक्ति दिखता था तो वो गरीब को देख करके मुझे कुछ अजीब सा होता था कि ये बेचारे बच्चे हैं, कोई किसी के पति है, किसी का पिताजी है जो बीमार पड़े हुए हैं, और उनको देख करके मेरे मन में अजीब सा होता था कि ऐसे लोग के लिए क्यों ना काम मुझे करना चाहिए. तुम्ही रियल लाइफ रियल पीपल ही संस्था गोरगरीब रुग्णांच्या मदतीसाठी स्थापन केली. ही संस्था स्थापन करत असताना तुम्हाला कोणत्या अडचणी आल्या, त्यावर कशी मात केली तुम्ही? जब मैं पेन विक्री का व्यवसाय चालू किया था मैंने, और करते करते जब छोटी छोटी मदद में अस्पतालों में गरीब लोग को मैं मदद दिया करता था तो काफी लोगों ने मेरी ये सेवा को देख करके प्रोत्साहन करते थे कि हुसैन साहब आप जो काम कर रहे हैं ये काम को एक विस्तार तरीके से करने के लिए एक संस्था स्थापन करना पड़ेगा जिससे आप अधिक लोगों की सेवा कर सकेंगे. तो मैंने ये स्थापन करने के लिए संस्था स्थापन के लिए कई लोगों की टीम को मैंने जो हमारे संबंधित अच्छे लोग थे उनको मैंने आग्रह किया कि आप हमारी सेवा से जुड़ जाइए. तो उस टाइम में काफी लोगों ने मेरा साथ उस टाइम में नहीं दिया था, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और 2010 में मैंने रियल लाइफ रियल पीपल की स्थापना किया. तुम्ही ही जी संस्था स्थापन केली त्यानंतर रुग्णालय प्रशासन किंवा इतर संस्थांनी तुम्हाला कशा प्रकारे मदत केली रुग्णांची सेवा करत असताना? सबसे पहले कहीं भी हो, गवर्नमेंट हो, परिवार हो, अपनी योग्यता दिखाना पड़ता है. मैंने अपनी काम गवर्नमेंट को, समाज को साबित करके दिखाया. शुरू शुरू में तकलीफ होता ही है सेवा या काम करने के लिए, कोई भी मंजिल पाने के लिए. 3-4 साल तक तो अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा. फिर वही समाज, वही गवर्नमेंट जब मुझे सच साबित कर दिया तो आज समाज भी और गवर्नमेंट भी मुझे सपोर्ट कर रही है. सर, कुठलंही काम करायचं म्हटलं की घरच्यांचा पाठिंबा खूप महत्वाचा असतो. तुमच्या या रुग्ण सेवेच्या व्रतामध्ये तुम्हाला घरचे लोक कसा पाठिंबा देतात? शुरू शुरू में तो ऐसा हुआ साहब की मैं जब ये सेवा में गरीबों की सेवा में समर्पित जब मैंने कर दिया तो बहुत सारे फाइनेंस समय हॉस्पिटल में गरीबों की तरफ देना पड़ रहा था. बीच बीच में फाइनेंशियल अड़चने बहुत बढ़ती गई. घर के लोग भी काफी नाराज होते गए कि ये आप क्या कर रहे हो. लेकिन मैं रुग्ण सेवा को बहुत ही महत्व देता था. अपने परिवार को भी मैं काउंसलिंग करता था कि आज हमारे जैसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत जरूरी है और ये काम करना चाहिए. फिर बाद में धीरे धीरे 2-3 साल तक वो लोग थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन बाद में जब हमारी काम सिद्ध हो गया तो आज हमारे परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं. सर, रुग्ण अंथरुणाला खिळला की रक्ताची नाकी सोडून जातात, नातलगी सोडून जातात. अशा रुग्णांची सेवा करताना तुम्हाला कोणत्या अडचणी येतात, त्यावर कशी मात केली तुम्ही?
मुझे याद है मैं 2010 साल से वाईसीएम में गरीब व व्यवहार लोग की सेवा देते आ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग परिवार अपने अपने नातेवाईक को अस्पताल में उपचार के लिए छोड़ के चले जाते हैं, या बहुत ऐसे कई बार ऐसा होता है कि अचानक दुर्दैवीय घटना से एडमिट हो जाते हैं और उस टाइम में उनका नातेवाईक नहीं आता है, तो उनको जो सेवा करना है एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम है। हम लोग अपनी टीम को पूरी सतर्कता के साथ उनकी सेवा देते हैं और हमने टीम मैनेजमेंट व्यवस्था रखा है रियल लाइफ रियल पीपल की तरफ से, वो लोग उनकी सेवा दे रहे हैं। सर आतापर्यंत तुम्ही हजारो बेवारस रुग्णांना सेवा दिलेली आहे, त्यांना त्यांचे नातेवाईक मिळवून दिलेले, अनेकांना आश्रमात पाठवले, अनेकांना त्यांच्या घरी परत पाठवले, अशी कुठली घटना तुमच्या कार्यकाळामध्ये जी तुम्हाला सर्वात जास्त भावली? सर मुझे याद है कि पिछले 2 साल पहले एक पुणे परिसर में एक व्यक्ति अपने काम की तरफ जा रहा था, जाते जाते दुर्दैव ने उनको पैरालिसिस अटैक हो गया और वहां की पब्लिक और प्रशासन ने वाईसीएम में बेसुध अवस्था में एडमिट किया था। तो ऐसे व्यक्ति को हमने 2.5 महीने तक वाईसीएम में सेवा दिया था। 2.5 महीने तक वो जो पेशेंट था कोई बातचीत नहीं कर पा रहा था, बाद में धीरे धीरे वो इशारे से बात कर रहा था। तो 2.5 महीने के बाद प्रशासन के पास ऐसी समस्या पैदा हो गई, हमारे पास ऐसी समस्या पैदा हो गई कि इनको परिवार कैसे मिलाना है, इनको न्याय कैसे मिलेगा। तो मुझे याद है कि जब वो जो रुग्ण था उनको हम जब अपने इशारे से बात करके मैंने उसे बताया कि आपका परिवार कहाँ है, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे आप वहां तक ले चलो, मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे याद है कि हमारी टीम व्यवस्था रुग्णालय से परमिशन लेकर के उस व्यक्ति को हम वहां लेके गए और परिवार उनका मिल गया। वो क्षण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब उसकी माता उसके बच्चे परिवार जब उनको देखा तो वो एक अलग ही जो खुशी था उनके परिवार में, तो वो देख करके मुझे भी एक खुशी के आंसू आ गए और वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। तर हे होते मोहम्मद हुसैन ज्यांनी रियल लाइफ रियल पीपल संस्था स्थापन केली आणि गोरगरीब असहाय्य रुग्णांचे ते काही वारी झाले, त्यांना डिजिटल प्रभातकडून मानाचा मुजरा। धन्यवाद।